जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। की कहानी जाएगी पास्ट में, कौन से किरदारों पर फोकस्ड है फिल्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीग्रेड स्टूडियोज पर। क्या महिष्मति के महाराज और अमरेंद्र बाहुबली के पिता विक्रम देव की मौत के पीछे किसी की कोई साजिश थी? क्या किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की थी? ये एक राज की बात है जिसका पता लगाने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस बार बाहुबली 3 में प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बल्कि पास्ट दिखाया जाने वाला है, जैसे पॉपुलर HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन्स बना, वैसे ही बाहुबली 3 बाहुबली की स्पिन ऑफ स्टोरी होगी जिसमें हमें राजमाता शिवगामी, विक्रम देव, बिजलाल देव और कटप्पा की कहानी दिखाई जाएगी कि आखिर किस तरह से शिवगामी महिष्मति का एक अहम हिस्सा बनी है और क्यों कटप्पा के पूर्वजों ने महिष्मति साम्राज्य की गुलामी को स्वीकार किया। अगर आपको पता हो तो बाहुबली की इस कहानी पर 3 किताबें मशहूर राइटर आनंद नीलाकंठन ने लिखा है। उनमें से एक किताब का नाम है द राइज ऑफ शिवगामी, या जिसे क्वीन ऑफ महिष्मति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब शिवगामी की कहानी पर एक पूरी किताब लिखी गई है। और इस किताब की एक खास बात यह है कि इसमें लिखा गया है कि शिवगामी की शादी विक्रम देव से होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई थी, और शिवगामी जिस राज्य से बिलोंग करती है वो राज्य देवसेना के राज्य की तरह ही था, और वो भी एक बहादुर राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी वो देवसेना को समझ नहीं पाई थी। ये तीनों ही किताबें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये बाहुबली के समय के पहले की कहानी दिखाती है। तो अगर SS राजमौली, जो अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करने में माहिर है, वो बाहुबली के स्पिन ऑफ की एक ट्रायलॉजी बना सकते हैं जिसमें इन सभी किरदारों से जुड़े राज खुलेंगे और महिष्मति एक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना ये दिखाया जाएगा। जहां बात स्पिन ऑफ की हो रही है तो वहां सोचने वाली बात यह है कि क्या बाहुबली की जो कास्ट है उनके यंगर वर्जन दिखाने के लिए इस कास्ट को बदल दिया जाएगा क्या? इसका मतलब ये है कि क्या प्रभास के बिना बनेगी बाहुबली 3? वैसे लॉजिकली यही सही ऑप्शन होगा क्योंकि बाहुबली के स्टार कास्ट को उनकी एज के हिसाब से ही रोल दिए गए थे और ये एक्टर्स यंग कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। इसलिए इस यूनिवर्स में हमें नई कास्ट देखने को मिलने वाली है, लेकिन जहां पर बात SS राजमौली और उनके डायरेक्शन की हो तो वहां हम उनसे पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस बार भी जोहरी की तरह ही हीरे चुनकर लाएंगे। साथ ही इस फिल्म का बजट भी RRR की तरह ही 500 करोड़ रुपीस जितना होगा, क्योंकि बाहुबली के पहले का एरा क्रिएट करने के लिए उन्हें नए सेट की जरूरत होगी। और साथ ही पॉसिबिलिटी ये भी है कि राजमौली भी पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की तरह IMAX प्रोसेस ट्राई करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलान की तरह पूरा IMAX से शूट करें। तो आपके हिसाब से बाहुबली के स्पिन ऑफ के लिए कौन सा एक्टर सही चॉइस रहेंगे, हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।